नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं विसारा टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। पति की हत्या का महिला ने किया खुलासा। तांत्रिक के चक्कर में आकर रची थी पत्नी ने खौफनाक साजिश। पति को दिया था जहर। दिल्ली की है ये घटना। महाराष्ट्र में नकल रोकने के लिए दो छात्रों के उतरवाए गए कपड़े। राजनीतिक दलों ने की कड़ी निंदा। स्कूल ने कपड़े उतारने की घटना से किया इनकार। पीएनबी घोटाले का मामला गरमाया। सीबीआई ने आरोपी महिला की सूर्यास्त के बाद की गिरफ्तारी। महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को दी चुनौती। महिला में खुले में शौच करने गई महिला को बाघ ने मार डाला। गन्ने के खेत में गई थी महिला। सीबीआई करेगी एसएससी पेपर लीक मामले की जांच। 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ले सकेंगे गंगा नदी में वोटिंग का मजा। गुजरात ने शुरू किया निरीक्षण। दिल्ली के दो होटलों में चल रहा था देवव्यापार का धंधा। पुलिस ने मारा छापा, 5 किए गिरफ्तार। अमेरिका में भारतीय दूतावास की फोन लाइन से छेड़छाड़। ठगी की हो रही थी कोशिश, अब हो रही है जांच। बैंकिंग घोटाले के बाद पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईटीसी, टीसीएस को एक हफ्ते में 2660 करोड़ का हुआ नुकसान। नहीं सुधर रहा चीन, डोकलाम में बना रहा है हेलीपैड और चौकिया। भारत ने जताया ऐतराज। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए।